अभी दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ लग चुका है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग अभी अंधेरे में हैं, ये आरती जी आए हैं, तो अभी पूरा दिन रहेंगे दोस्तों, आप लोग जो है बातें बना लीजिए। अमरनाथ भाई बॉडीगार्ड के साथ आरती तो सीमा हैदर से मिलने पहुंचे आरती और मनु। जी हां, आपको पता होगा दोस्तों, एक ऐसी पाकिस्तानी महिला जो कि पूरी तरह से जिस पर शक किया जा रहा है कि ये एक जासूस यानी कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंट है। और तो और दोस्तों, दावा यहां तक किया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान वालों ने बहुत ही सातिर तरीके से भेजा है। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरती और मनु जो है दोस्तों, वो भी अब सीमा हैदर से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। अब दोस्तों, जैसे ही आरती और मनु उसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं जहां पर इस वक्त सीमा हैदर रुकी हुई है, तो वहां पर जाते ही सीमा हैदर आरती और मनु से मिलने के लिए आ जाती है। और आरती और मनु से काफी अच्छे से बात भी करती है, ऐसे लगता है कि जैसे मानो इनकी सदियों पहली पहचान हो। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि सीमा हैदर जिस तरह से लोगों से मिल रही है, जिस तरह से लोगों के साथ उसका बिहेवियर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो एक पाकिस्तानी एजेंट ही हो। और कई सारी ऐसी बातें सीमा हैदर के बारे में अभी तक निकल कर आई हैं जो ये साबित कर रही हैं कि वो एक जासूस ही है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में सीमा हैदर की पूरी सच्चाई सामने निकल कर आएगी। बहरहाल, आरती और छोटू अब सीमा हैदर से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कई सारे आरती और मनु ने इसके राज खोले होंगे और कई सारी जानकारियां प्राप्त की होंगी। अब आने वाले दिनों में जल्द ही पता चलेगा कि आरती और मनु ने सीमा हैदर से कौन सा राज उगलवाया है। तो यही था वीडियो में, आप सभी कमेंट करके बताना सीमा हैदर जासूस है या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।